नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख माह में वो कौन से चार कार्य हैं जिनको करने से आप संकट से मुक्त हो जाएंगे और सुख पाएंगे बैसाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है इस महीने गंगा उपासना बरूथनी एकादशी मोहनी एकादशी अक्षय तृतीया बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की पुराणों में महिमा का वर्णन किया गया है तो दोस्तों अब हम बताएंगे वो कौन से चार कार्य हैं जिनको करने से बैसाख माह में सुख मिलता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता हुआ था इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है इस माह को माघो नाम से भी जाना जाता है माघो विष्णु जी का एक नाम है इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व तो है तो दोस्तों नंबर एक पर हम बताएंगे कि बैसाख अमावस्या को क्या करना चाहिए धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना गया है काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास किए जाते हैं और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दी जाती है अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। इस दिन नदी जलासे या कुंड में स्नान करना चाहिए सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है इस दिन शनिदेव को तिल तेल पुष्प आदि चढ़ा कर दोस्तों तो तो नंबर दो पर है कि पूरे माह भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माघो रूप की पूजा की जाती है स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि माघो मास यानी बैसाख माह के समान कोई मास नहीं है सतयुग के समान कोई युग नहीं है के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है इस माह में आपको ओम माघवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम ग्यारह बार जप करना चाहिए साथ ही भगवान विष्णु के केशव हरि गोविंद त्रिविक्रम पद्मनाभ मधुसूदन आदि नाम का भी ध्यान करना चाहिए और उनको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्र डालना नहीं भूलना चाहिए साथ ही सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए इसके लिए आपको करियर में नौकरी में व्यापार में तरक्की मिलती है इस जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और दांपत्य जीवन भी सुखदाई व्यतीत होगा तीसरे नंबर पर है बैसाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए एक समय ही भोजन करना चाहिए इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है इस माह तेल व तलीबुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए बेल आप खा सकते हैं बैसाख माह में तेल लगाना दिन में सोना कास्य के पात्र में भोजन करना खाट पर सोना नहा घर में नहाना निषिद्ध पदार्थ खाना दो बार भोजन करना रात्रि में खाना खाना ये आठ बातें त्याग देनी चाहिए और दोस्तों चौथे नंबर पर बैसाख माह में कथा का श्रवण करना चाहिए गीता का पाठ करना चाहिए ये सब करने से दोस्तों आप संकट से मुक्त हो जाएंगे और सुखों को पाएंगे तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडित अनचाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बोलो विष्णु भगवान की जय हो